आजाद कश्मीर का वोट चोरी करने की कोशिश की तो छोड़ेंगे नहीं, जो सिलेक्ट होकर आया हो उसकी ना घर में इज्जत होती है और ना बाहर। नवाज शरीफ ने अपनी जिद्दोजहद से बता दिया कि इमरान खान को लाने वाले कौन हैं। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा तुम्हारी दो मिनट की खामोशी कब टूटेगी, कश्मीर का रुख करते हुए अपना नामा ऐमान साथ जरूर लाना होगा। बिलावल और मरियम को शिकस्त का खौफ है, इसीलिए धांधली का शोर कर रहे हैं। 25 जुलाई को इमरान खान कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे, किसी डब्बे से बल्ले के सिवा वोट नहीं निकलेगा। शेख रशीद पुरुमी, फवाद चौधरी ने कहा कि सोने का चमचा मुंह में लेकर आने वाले अपने अबुओं की करप्शन बचाने निकले हैं। बाबर आवान बोले कि कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की चीखें अभी से सुनाई दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी के नाकाबले यकीन नतायज सामने आ रहे हैं। स्वात और मिट्टा में बंजर पहाड़ियां सब्जी में तब्दील हो चुकी हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, लिखा इंशाल्लाह आने वाली नस्ल के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। वुजरा की टोर खत्म, वजीर आजम की हिदायत पर इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। स्पीकर डिप्टी स्पीकर समेत 7 वुजरा के साथ अब सिर्फ 2 पुलिस अहलकार होंगे। वुजरा का अचानक सिक्योरिटी वापस लेने पर इजहार तशवीश, चेयरमैन सेनेट को दी गई सिक्योरिटी बरकरार। शहबाज शरीफ कहते हैं सियासी रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला जुर्म है। कराची के इलाके नाजिमाबाद में कुर्बानी के बैल जमीन पर उतर आए, पूरे साल छत पर पलने वाले बैलों को उतारने का मंजर देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई, मनाजिर को कैमरों में भी महसूस किया गया। और मंडी बहाउद्दीन में अनोखी शादी, बारात हेलीकॉप्टर पर आई, भालिया जिमखाने में शानदार इस्तकबाल, हेलीकॉप्टर पर नोटों की बारिश, दुल्हा मोहम्मद सिद्दीक ने हेलीकॉप्टर 15,000 डॉलर किराए पर लिया था।